Yes, students, we are doing worksheet 3 and we had done till question number 4. Okay, so now we will do question number 5 of this worksheet. Name all the line segments in the following diagram. यहाँ पे कुछ ये डायग्राम्स गिवन है, आपको फिगर्स दिख रही होंगी, ठीक है? तो इन फिगर्स को आपने देखना है ध्यान से, और इसमें कुछ अल्फाबेट्स गिवन है, यानी कि इनके नेम्स गिवन है, और आपने क्या करना है, इनके नेम्स यानी कि जो लाइन सेगमेंट है उसके नेम लिखने हैं। ये तो पूरी फिगर का आपको नाम दे रखा है यहाँ पे, पी क्यू आर और एस, ठीक है? तो ये पूरी फिगर का नेम गिवन है, लेकिन हमें किसका नेम बताना है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स, हमें सभी लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट आपको पता ही है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे दूसरे कॉर्नर तक, ये पूरा क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब जहां पे भी जो एंड पॉइंट्स हैं इसके, और वहां पे जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है वो उसका नेम हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है यहाँ पे, एस, और ये क्या है, आर। तो एस आर एक लाइन सेगमेंट है, राइट? अब सेकेंड लाइन सेगमेंट कौन सा है, आर से लेकर क्यू तक, तो आर क्यू, ठीक है? ये बच्चे हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, देखिए यहां पे भी आर आ रहा है और यहां पर भी आर आ रहा है, तो हमने कंटिन्यूशन में रखना है, ठीक है? एस आर, फिर दोबारा से आर क्यू, फिर अब अगेन हम क्यू से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और कहां पे मिल रहा है वो जाके पी पे, तो क्यू पी, नाउ पी एस। तो ये मैंने फोर लाइन सेगमेंट्स के नेम लिख दिए, ठीक है? तो इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है। देखिए बी पार्ट भी सेम एज इट इज होगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी, क्योंकि बीच में भी लाइन बन रही है, दैट मीन्स ए सी, तो ए से लेकर सी तक भी एक पूरा लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे हम लिखेंगे ए सी, राइट? जो इसका सी पार्ट है बच्चे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? आपने जो एक कर्व वाला हिस्सा है इसको आपने काउंट नहीं करना, जो लाइन सेगमेंट है बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है आपने उसे काउंट करना है, उसे यहां पे लिखना है, वो वाला आप यहां पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है? कर्व वाला आपने नहीं लेना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर एंड नेम, फिगर को देखिए ध्यान से और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नेम देना है। तो पहला देखते हैं हम, नेम सॉरी एनी फाइव पॉइंट्स, नेम एनी फाइव पॉइंट्स, आपने फाइव पॉइंट्स बताने हैं, कोई भी फाइव पॉइंट्स। ये जो फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है? कुछ रे भी हैं और कुछ लाइन भी होंगी, लाइन सेगमेंट भी हैं, सब कुछ गिवन है इस फिगर में, लेकिन आपने इसमें से क्या करना है, एनी फाइव पॉइंट्स को लिख देना है। तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, एक तो बी दिख रहा है, ये देखिए जहां जहां पे डॉट लिखी हुई है ना आपने वो लिख लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ए है, ठीक है? और क्या है, बी, नेक्स्ट दिस इज ई, और क्या है, सी है, अगला एफ है। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन्हीं में से लिखना है, अपनी तरफ से कुछ और नहीं आपने लिखना, ठीक है? जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट के साथ जो भी अल्फाबेट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, राइट? नाउ सी द बी पार्ट, वन लाइन, यहाँ पे एक लाइन भी है, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन भी है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो लाइन का मतलब होता है जहां पे दो एरोज हों, दोनों तरफ दोनों पॉइंट्स पे एरो हों। तो एक तो ये एरो है और एक ये एरो है, ये जो पूरी स्ट्रेट है ये क्या बनती है हमारे पास, लाइन बनती है। तो यहां पे मैं लिख दूंगी ए डी, और अगर आप इसको और अच्छे से दिखाना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर एरो भी दिखा सकते हैं, दोनों तरफ एरो, जिसके दोनों तरफ एरो हो वो क्या होता है, लाइन होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ए डी के ऊपर ये एरो बना दिया, राइट? अगर आप इसको नहीं ड्रॉ करना चाहते तो इसको सिंपली एडी लिख के छोड़ दीजिए, राइट? नाउ सी द सी पार्ट, टू रेज, तो दो रे हमें बतानी है, एक तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए और एक तरफ क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। अब इस पॉइंट के आगे तो एरो है लेकिन कोई अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये इसको हम ई ही कंसिडर करेंगे, यानी कि जो एरो है इसको हम ई के साथ लेंगे, तो बी ई, ठीक है? बी ई, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से ये एरो का निशान लगा सकते हैं, यानी कि रे का, ठीक है? रे का साइन बना दिया हमने। फिर बी ए, बी ए, यहां पर भी हमने ये रे का सिंबल बना दिया, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे टू रेज बताई हैं। टू लाइन सेगमेंट्स बतानी है, तो बी एफ, ठीक है? पॉइंट एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाएगा बी से एफ तक की लेंथ और ये बी से सी तक की लेंथ, लाइक दिस,
राइट। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपनी फिगर में से, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एग्जांपल बताना है इनमें से, कुछ भी बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉइंट, तो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट आता है ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए। तो जैसे कि मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, तो पेंसिल के आगे क्या है, पॉइंट ही तो है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी तो ये पॉइंट ही तो है आगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पेंसिल, ठीक है, या फिर पेन। पेन का भी आगे क्या होता है, पॉइंट होता है ना, उसी पॉइंट से लिखा जाता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चे, तो लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो स्ट्रेट हो लेंथ वाइज। तो जैसे वाटर पाइप होती है, तो वाटर पाइप हम लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर पाइप। और क्या हो सकता है, और हम लिख सकते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्केल लिख सकते हैं हम, ठीक है, स्केल। जैसे कि 15 सेंटीमीटर का स्केल हो या फिर 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसको मेजर भी हम कर सकते हैं, उस पर तो सब कुछ गिवन होता है स्केल पे। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा रोप, रोप ले सकते हैं, रोप मतलब कि रस्सी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टू एग्जांपल बोला है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो आपने अपनी तरफ से कोई भी दो एग्जांपल लिखने हैं, राइट।